हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, स्वागत है आपका पार्ट टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर एक बार और। गाइस, तो पार्ट थर्ड मैंने डाल दिया है, तो यह पार्ट फोर्थ की वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और जो आपके एक बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक तो नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, बेसिक रूल्स नहीं, जो श्योर शॉर्टकट हैं कि भाई हाँ, अगर इस रूल्स में से अगर क्वेश्चन आ गए तो आप विद इन वन और विद इन टू सेकेंड्स आप बहुत ईजली ये क्वेश्चन कर लोगे। बस आप इस जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो आप प्लीज़ देखते रहिए। और जितना भी आप वीडियो देखेंगे उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपके एग्ज़ाम्स के लिए इजी रहेगा। ओके गाइस, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो गाइस, 80th तक हमने कर लिया था, नाउ हम 81st से शुरू कर रहे हैं। गाइस सी, जो भी सेंटेंस में ऑन इन एट आर नॉट used before today, ठीक है, तो सॉरी 81 जो रूल है वो ये कहता है कि ऑन इन एट आर नॉट used before today, tomorrow, yesterday, today, tomorrow, आज कल पहले परसों जो भी है, today, tomorrow, yesterday और the following day, the next day, आने वाला दिन जो भी है, तो इन सारे वर्ड्स के पहले ऑन इन एट यूज़ नहीं होता। लाइक यहाँ पे दिया हुआ ही विल गो देयर ऑन टमोरो, तो ऑन यूज़ नहीं होता, ठीक है, टमोरो से पहले। नो प्रीपोजिशन इज़ यूज बिफोर द वर्ड होम, होम के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। लाइक यहाँ दिया हुआ है ब्रिंग अ टीवी सेट एट होम, तो यहाँ ये सॉरी ये अंकल कर रखा है मैंने, तो यहाँ यूज़ होगा ब्रिंग अ टीवी सेट होम, ठीक है। 83 रूल है, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब लाइक डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिक्यूल एक्सेट्रा, वी डायरेक्टली यूज़ द ऑब्जेक्ट एंड नो प्रीपोजिशन इज़ यूज आफ्टर द वर्ब। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, याद कर लेना इसको गाइस, इन वर्ब्स के बाद कभी भी आपका प्रीपोजिशंस यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। लाइक द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचुरल इन नेचर, सॉरी यहाँ गलत लिखा है मैंने, नेचर इन दिस पोएम, तो डिस्क्राइब्स अबाउट कभी यूज़ नहीं होता बिकॉज अबाउट एक प्रीपोजिशन है, तो डिस्क्राइब के बाद अबाउट यूज़ नहीं होगा बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं इनसे पहले, इनके बाद कभी प्रीपोजिशंस यूज़ नहीं होती। तो यही वर्ड्स हैं जो गिने चुने वर्ड्स होते हैं जो SSC, UPSC, CDS जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं में से ही आपका आएगा। फिर कुछ और हैं जैसे कि वर्ड्स लाइक से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन, राइट इज फॉलोड बाय टू प्रीपोजिशन। ये जो कुछ वर्ड्स हैं गाइज, मैं बेसिक में इन सब की टेबल दूंगा, हाँ यार आप लोगों को, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो कि मतलब अलग अलग लग रहा होगा, प्रॉपर एक टेबल होगा पूरे इस पेज के जितना, और उस टेबल में मैं आपको अच्छे से रटवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, तो आप बेसिक के लिए तैयार रहिए। तो ये जो वर्ड्स हैं कुछ, इसके बाद हमेशा फॉलोड होता है टू और प्रीपोजिशंस के साथ, फॉलोड बाय टू प्लस प्रीपोजिशंस, जैक लाइक ही डिड नॉट रिप्लाई मी, तो इसकी जगह यूज़ होगा बिकॉज यहाँ रिप्लाई दिया हुआ है, देखिए रिप्लाई वर्ड इधर भी है, तो ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ठीक है, प्रीपोजिशन यूज होगा, करेक्ट फॉर्म जो होगी। जैसे यहाँ लिखा ही डिड नॉट राइट टू अ लेटर, तो यहाँ टू यूज़ नहीं होगा बिकॉज ही डिड नॉट राइट टू अ लेटर, मतलब सेंटेंस ही गलत है, तो इसलिए। उसके बाद यूज ऑफ प्रोनाउंस है गाइस, एक मिनट, यूज ऑफ प्रोनाउंस, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस, ठीक है। इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट, ठीक है, तो इफ़ आई वर, अगर मैं ये होता, या इफ़ आई वर, तो इस सेंटेंसेस के साथ व्हेन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है ऑफ द वर्ब टू बी के साथ, तो इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस में ही इज हिम, ठीक है, तो हिम यूज होता है, तो सॉरी नॉमिनेटिव केस में ही यूज होता है, लाइक ही इज हिम, तो हिम तो खैर ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ही आपका यूज होगा नॉमिनेटिव केसेस में, तो हिम की जगह पे आपका ही आ जाएगा, ठीक है। इफ आई वर ही आई वर नॉट डू इट, ठीक है। व्हेन द प्रोनाउन इज, इसका बेसिक में बहुत बहुत इसके बेसिक बेसिक में ही 7-8 रूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। व्हेन द प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि लेट यू एंड आई डू इट, ठीक है। तो जब भी व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ, जब भी कोई प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा और ऑफ अ प्रीपोजिशन की तरह, इट शुड बी वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, लाइक लेट यू एंड आई डू इट, लेट यू एंड मी डू इट। और इसके लिए ये भी रूल होता है कि एंड के बाद जो वर्ब, जो आपका केस यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ये बेसिक में है, तो वो मैं आपको वहाँ बता दूंगा, जब तक आप इसको जस्ट रिवाइज 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 करिए। दूसरा सेंटेंस है, दिस प्रेजेंट आर फॉर यू एंड आई, तो यहाँ फिर से एंड है, दिस प्रेजेंट आर फॉर यू एंड मी,
एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट्स, ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट। इम्फेटिक प्रोनाउन कभी अकेले नहीं होते, लाइक हिमसेल्फ डिड इट, ठीक है, तो हिमसेल्फ डिड इट के ये सेंटेंस ही गलत है, हिमसेल्फ कभी अकेला यूज़ नहीं होगा, तो ही हिमसेल्फ डिड इट यूज़ होगा बिकॉज यहाँ हिम है, वरना शी हरसेल्फ डिड इट, ठीक है। द इनडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट इफ यूज एट ऑल। इनडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज, मतलब कि सिंपल है कि जैसे जो सेंटेंस में ये रट लेना है, जैसे वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज और वन सक्सेस, तो हिज विज कुछ यूज़ नहीं होता, तो सिंपल यूज होता है कि वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज नहीं होगा, ऑफ वन सम वन सक्सेस, वन होगा हिज विज की जगह जो भी होगा उसके बाद वन ही लिखना है और उसके यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना है बस, ठीक है, तो ये रूल है, इसको रट लेना, ठीक है। इधर और नीदर, इधर और नीदर इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, एनी नो वन और नन इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एदर और नीदर आपके स्पीकिंग होते हैं दो पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए, और एनी नन और नो वन आपके मोर देन टू के लिए, लाइक एनी वन ऑफ दिस टू रूल्स लीड्स टू, दो ही है तो यहाँ इधर यूज होगा, एनी वन यूज नहीं होगा। सिमिलरली नीदर ऑफ दिस थ्री बॉयज, दो से ज़्यादा है तो यहाँ नो वन यूज होगा। Each one is used in speaking of two persons or things. One another is speaking, used in speaking of more than two. ठीक है, तो the two boy brothers loved one another. ठीक है, तो one another use नहीं होगा क्योंकि दो ही हैं, तो यहाँ पे each other use होता है। Each other दो के लिए होता है, one another बहुत लोगों के लिए होता है। Guys, इसमें एक rule और होता है कि ना, जब भी कोई sentence जैसे everything है, अगर everything के बाद of use होगा ना, everything के बाद अगर of use होगा तो हम एवरीथिंग को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी एवरीवन का, सॉरी, अगर एवरीवन के बाद ऑफ यूज़ होगा तो हम एवरी और वन को अलग अलग लिखते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ए नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जीरन शुड बी पुट इन द पोजेसिव केस, लाइक प्लीज एक्सक्यूज मी बाइंग माई बींग लेट, ये पहले भी एक आ रखा है पार्ट, मतलब पार्ट वन में है इसका, प्लीज़ एक्सक्यूज मी नहीं होगा, प्लीज़ एक्सक्यूज माई होगा, ठीक है, आई माई मी माई सेल्फ, तो ये पोजेसिव है, ठीक है, तो मी की जगह माई यूज़ होगा जब नाउन और प्रोनाउन जीरेंट की तरह यूज़ होते हैं, लाइक बींग, ठीक है। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर, लाइक ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़ डन देयर होमवर्क, ठीक है। यहाँ अब आप सोचोगे यार दीज बॉयज़ है तो यार यहाँ तो हैव होना चाहिए, बट भूलो मत यार यहाँ ईच भी है, ठीक है, तो इसलिए ईच और एवरी वन नन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ तो ये तो हो गया इसकी बात, ठीक है, और ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़ डन देयर होमवर्क। अब हैज़ डन देयर होमवर्क, यहाँ जो देयर यूज़ हो रहा है वो बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है, दीज बॉयज़ के लिए, पर जैसे कि बताया कि देयर वेयर यूज़ नहीं होता, हिज यूज़ होता है, क्योंकि ए नाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, जो पहले है, ठीक है, उसके हिसाब से ये आपका जो वर्ब होता है वो चूज होता है, तो यहाँ देयर की जगह हिज यूज होगा। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी इन प्लूरल, सिंपल है, सबसे पहला रूल, बोथ राजू एंड रवि हैव डन हिज होमवर्क, अलग अलग है तो यहाँ देयर यूज होगा। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, ए प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी इन द सिंगुलर, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज नॉट नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटी, यूज़ नहीं होगा, इन हिज होगा, क्योंकि कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है इसी के अंडर आ रहा है। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने सेकंड या थर्ड रूल में बताया था, द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे इन देयर आता, क्योंकि तब ये दोनों अलग अलग होते। फिर सिमिलरली नीदर के बाद नॉर, इधर के बाद और, वन टू और मोर सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय और नॉर, और या नॉर से जुड़े हों, और या इधर और से या नीदर नॉन से, तो प्रोनाउन यूज फॉर देम शुड बी इन द सिंगुलर, ठीक है। नीदर रवि नॉर राजू हैज डन हिज होमवर्क होगा, क्योंकि जब भी कोई भी, मतलब दो नाउन्स हैं, और से जुड़े हों, नाउन से, नॉर से जुड़े हों, इधर और या नीदर नॉर से जुड़े हों, तो सिंगुलर वो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउन, देखिएगा इसमें सिंपल रूल है, जैसे यहाँ दिया हुआ है आई यू एंड ही मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, तो इसमें बेसिक में बहुत अच्छा रूल है 3-2-1 और 1-2-3 का, कि पहले यू आएगा, ही आएगा, आई आएगा, तो उसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। 3-2-1 रूल होता है एक, ठीक है, और वैसे एक 1-2-3 रूल होता है, प्लूरल के लिए 1-2-3 होता है, सिंगुलर के लिए 3-2-1 होता है, इस तरीके के वर्ब हैं, मतलब रूल्स हैं, तो वो रूल मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप इसको पढ़ लीजिए। आई यू एंड ही मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, सिंगुलर के लिए है, तो यहाँ पे यू ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, तो यहाँ 3-2-1 यूज हो रहा है। जो ऑर्डर होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, आई ही शी,
ठीक है, इस तरीके से होता है यू देयर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका पूरा यहाँ से लेके एंड तक ऑर्डर है, वो पूरा टेबल मैं आपको बता दूंगा, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, वेन टू और मोर प्लूरल प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सनस कम टूगेदर फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी मस्ट कम। अब जैसे देखिए, यू दे एंड वी मस्ट वर्क टूगेदर, अब यहाँ प्लूरल है क्योंकि यू दे एंड वी ये सब प्लूरल, वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ 1 2 3 यूज़ होगा। जैसे वन वी यू सेकेंड एंड दे थर्ड, ये जो वी यू दे इनको मैं 1 2 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में 1 2 3, लाइक पहले ऑर्डर में यू है, आई एम सॉरी आई है, दूसरे में आपका ही है, तीसरे में आपका शी है, चौथे में आपका यू है, पाँचवे में आपका दे है, छठे में आपका कुछ है, ठीक है। तो इस ये पूरी एक लाइन है, मतलब 6-7 आपके टेबल्स हैं, ठीक है, उनके हिसाब से 1 2 3 और 3 2 1 का जो रूल है वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अभी कुछ आखिरी के 3 रह रहे हैं, इसको देख लीजिए। द डॉक्टर वो केम हेयर वॉज राम्स ब्रदर, ठीक है। तो अब क्या है कि जब भी किसी बंदे की बात हो रही हो ना यार, तो सिंपल चीज़ है कि द डॉक्टर हुम केम हेयर, ठीक है, हुम यूज़ नहीं होगा, हु यूज़ होगा, क्योंकि ये एक जीता जागता आदमी है भाई। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ इन सब्जेक्टिव केस वेयर एज हुम इज़ एन ऑब्जेक्टिव केस। जो रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ होता है वो सब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है, और जो हुम होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है। देयरफॉर फॉर हु देयर मस्ट बी अ फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस, तो हु के लिए एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ठीक है, और अदरवाइज व्हेन हुम ऑब्जेक्ट इज़ यूज इन द सेंटेंस देयर इज मोर फाइनाइट वर्ब्स। अगर हुम यूज़ हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसमें और फाइनाइट वर्ब्स होने चाहिए। तो सिंपल है, द डॉक्टर हुम केम हेयर नहीं यूज़ होगा, हु होगा, क्योंकि अकेला बंदा है और दूसरा जीवित बंदा है, तो उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं। विथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली नन ऑल एक्सेट्रा एज रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज़, ठीक है। ऑल विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये तो एक आपका एक तरीके से प्रोवर्ब भी है, तो ठीक है, इसको तो वैसे भी रट लो कि ऑल विच यूज़ नहीं होता, ऑल डैट होता है। और इसके अलावा एक रूल और भी है कि कोई भी सेंटेंस के बाद अगर एवरीथिंग, मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको सुन लो एक बार ढंग से, एवरीथिंग समथिंग नथिंग, ठीक है, ओनली नन ऑल द माई अवर इज हर, ये जो वर्ब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो है, उनके बाद विच की जगह हमेशा डैट यूज़ होता है, ठीक है, एक ये रूल होता है। एक सिमिलरली एक रूल और है कि देन के बाद कभी आपका एज यूज़ नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे रूल्स हैं जो बेसिक इंग्लिश में कवर होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बेसिक इंग्लिश लाऊंगा, ठीक है। आफ्टर लेट इफ अ प्रोनाउन इज़ यूज द प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, लाइक लेट ही गो देयर, तो लेट के साथ प्रोनाउन जो होता है लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, तो लेट हिम गो देयर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक, आई एम सॉरी, आपके श्योर शॉर्टकट। तो ये था पूरा आपका, इसको प्लीज़ गाइज इसको मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लेना, और फिर वहाँ पे बता बोल देना कि सर हाँ हमको PDF दे दो, तो मैं PDF भेज दूँगा, एक बार दो बार दस बार जितनी बार भी जितने भी बंदे मांगते रहेंगे, ठीक है, तो उनको ये PDF मैं दे दूँगा। और अपना और भी मटेरियल है, UPSC PCS और जितने भी एग्ज़ाम है, तो उन सबका मटेरियल भी है, मैं वो दे दूँगा आपको, ओके गाइज। तो प्लीज़ गाइज फिर से बोलूँगा, आप पार्ट टू सक्सेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कई लोगों का भला हो जाए, और दुआ दें फिर वो मुझे। चलो गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इन्जॉय करो यार, थोड़ा इन्जॉय भी करना चाहिए, अच्छा मौसम हो रहा है आज बाहर, हम तो खैर सड़ रहे हैं ऑफिस में, बट आप लोग जाइए, इन्जॉय करिए, ओके, सो बाय बाय।